लगाने से पहले मासी 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 मासियो तू बाप से बात कर। मासी मासियो। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, हम सब ने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा कि बाप बाप होता है, और एक दूसरा ये कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं गरिमा, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आज एक डायलॉग मार्केट में नया आ गया है कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, बेटे को हाथ लगाने से पहले मासी 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 मासियो तू बाप से बात कर। मासी मासियो। आज आखिर किंग खान शाहरुख खान की मस्ट अवेटेड फिल्म जवान थिएटर में आ ही गई, और सुबह सुबह ही सिनेमा हॉल फुल नजर आए। लेकिन यह फिल्म सिर्फ शाहरुख खान की ही नहीं, ये फिल्म शाहरुख खान की जितनी विजय सेतुपति की भी है, तो उतनी ही नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, प्रिया मणि और लहर खान सब की है। कहते हैं कि फिल्म बनाना आसान है, लेकिन फिल्म को कहानी के माध्यम से आखिर तक दर्शक को जोड़े रखना आसान काम नहीं है। फिल्म मनोरंजन के साथ साथ सोशल मैसेज भी दे दे तो फुल पैसा वसूल फिल्म मानी जाती है। तू थोड़ी देर मार खा, मैं आइडिया लेकर आता हूँ, इस डायलॉग ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस फिल्म के बारे में मैं बोलना कहाँ से शुरू करूँ। तो पहले बात कर लेते हैं एक मनोरंजन की, कि जवान फिल्म मनोरंजन के नाम पर कैसी है। तो मनोरंजन के नाम पर विद्या बालन की फिल्म की वो लाइन याद आती है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये मूवी पूरी तरह से एंटरटेन करती है। लगभग 3 घंटे की मूवी में ऐसा लगता है कि कहीं भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। फिल्म की कहानी तो कई जगह तो सिंपल लगती है, पर उस सिंपल को अभी ऐसे दिखाया गया है कि वाकई में यकीन हो जाता है कि वाकई में सिनेमा और एंटरटेनमेंट क्या होता है। तो इसलिए कहानी तो हम आपको नहीं बताएंगे, पर ये कहानी एंड तक बांधे रखती है और सस्पेंस भी अच्छा बनाए रखती है। जैसे इस फिल्म के ऐसे डायलॉग पर बात करते हैं कि वाइफ को बोल के आया हूँ कि संध्या को टाइम पर आऊंगा, उस दिन मरने का मूड नहीं था तो आज मरने का मूड है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अगर सिस्टम ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। ये बातें ऐसी हैं जो सीधे दिल से जुड़ जाती हैं। हम एक्टिंग की बात करें तो उससे पहले हम इस फिल्म की कहानी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। ये फिल्म पूरी तरह से जनता, किसानों और शहीदों को डेडिकेटेड है। एक एक मुद्दे खुलकर उठाए हैं और कहानी को एक जवान के साथ जोड़ रखा ताकि देश प्रेम भी नजर आए। कहानी इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है कि यह पूरी एटली की फिल्म है जो छोटे छोटे सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। इसीलिए एटली ने फिर से बता दिया कि क्यों वो अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब रही एक्टिंग की बात, तो सबने आग लगा के रख दी और एंटरटेनमेंट का लेवल 100% तक ले गए। शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा, प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा के अलावा दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का गेस्ट रोल भी छोटा पर लाजवाब है। इसमें शाहरुख खान का डबल रोल फिल्म में जान फूंक देता है। सेतुपति ने खलनायक संजय दत्त की याद दिला दी, जो खलनायक में पूरी तरह फिट ही नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने आप को आने वाली फिल्मों के लिए इशारा कर दिया है कि वो हीरो के सबसे बड़े दुश्मन होने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये जवान तो देख ही लोगे, पर इसके दूसरे पार्ट के लिए भी तैयार रहना जो जल्द ही आ सकता है। हमारी तरफ से फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार मिलेंगे। और बाकी आपने मूवी देख ली है तो आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और नहीं देखी तो ये बताइए कि आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं या नहीं। मैं कौन हूँ, कौन नहीं पता नहीं, माँ को क्या वादा हूँ मैं अधूरा, एक इरादा हूं मैं, अच्छा हूं बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी